वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कल नतीजे पंजाब ते आए है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते समुचे वर्करां तरफों असी एक्सैप्ट करते हैं। जो आया सी जनता की आवाज़, रब की आवाज़ मंगू है, तो असी सिर झुका के अज नतीजे एक्सैप्ट करते हैं। असी पार्टी की मीटिंग भी सदी है, जिथे असी पूरे सारे विचार भी करांगे। एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी नूं दित्ती गई है। मैं भगवंत मान जी, जो आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे है, उन्होंने लख लख वधाई दिना, तो उन्होंने पार्टी नूं भी दिना, क्योंकि जंग विच हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लाया। तो मैं खास करके श्रोमणी अकाली दल के वर्करां का धन्यवाद करना चाहना। इस लड़ाई विच मैं मान ना कह सकदा कि श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने दिन रात मेहनत की। इन्नी मेहनत मैं अपनी जिंदगी नहीं देखी जिनी एक्ती की है, तो अपने जिनी लीडरशिप ने की है, साढ़े सारे कैंडिडेट ने की है। बाकी रिजल्ट तो परमात्मा के हाथ है। नहीं, नहीं कारण हले विचार लोगों विचार करके, अपने वर्करां विचार करके पता करांगे। शायद साढ़े कोई कमियां होनी है जिहड़ियां असी देख नहीं सके या समझ नहीं सके, असी कोशिश करांगे कि वह कमियां नूं दूर करिए। अगे तो देखो, श्रोमणी अकाली दल पंथ ते पंजाबियां दी जथेबंदी है। असी जिउणा मरना पंजाब वास्ते है। हुण भी आम आदमी पार्टी सरकार बनती है, एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल मैं अश्योर करना चाहुंदा है, कोई पंजाब दा मसला है जिथे साडी लोड़ होए, असी कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव रोल प्ले करांगे। जिते सानू लोड़ पए जान दी, असी अपने आप उत्ते जावांगे। साडी इक्को ही सोच है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इस बॉर्डर स्टेट की अमन शांति भाईचारक सांझ कायम रखनी सब तो जरूरी है। सो आपां नूं सारे पंजाबियों नूं इकट्ठे होकर आपां नूं आ वर्डिक्ट एक्सैप्ट करना चाहिए है। ते नाले साडी पूरी सपोर्ट रहूगी आम आदमी पार्टी नूं, जो पॉजिटिव गल करनगे पर एज और ऑपोजिशन, जे जिथे भी कमियां होणगियां असीं उह कमियां भी उठावांगे। पर अखीर च मैं वधाई जरूर देना चाहुंदा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। आफ्टर 57 सर, बादल फैमिली दे विच पहली बार आके तुसीं विधानसभा दे विच नहीं, फिर किस तरह दे नाल रोल अदा करोगे? देखो, विधानसभा च अंदर जाना या बाहर जाना वह मायना नहीं रखता। श्रोमणी अकाली दल जिवें मैं कहा, पंजाबियों की आवाज़ है, सिख पंथ की आवाज़ है, खालसा पंथ की आवाज़ है, वो आवाज़ सदा रहूगी। जिथे भी अपने पंजाबी नूं, खालसा पंथ नूं दुनिया में कोई समस्या आए, देश में समस्या आए, पंजाब में समस्या आए, श्रोमणी अकाली दल अगे होकर उस समस्या नूं हल कराएगी, भावें पावर है या नहीं। देखो, जंगा जितियां जांदियां, जंगा हारियां भी जांदियां, पर फौजां कायम रहिंदियां। श्रोमणी अकाली दल दा फौज दा मुकाबला कोई नहीं कर सकदा। सानू माण है अपनी पार्टी दे वर्करां दे, भावें एकती साडी डिफीट हुई है, पर कोई गल नहीं, जित हार तां हुंदियां रहिंदियां। पर मैनू इन्नी खुशी है कि अपने वर्करां ने बड़ी मेहनत की थी। देखो, मैं 6 महीने पंजाब दे कोने कोने च, मैं लगता कल्ला मैं होना है जिहड़े पंजाब दे हर असैम्बली हल्के च आप गया, आप उन्हां नूं वर्करां नूं मिलिया, ते आप वर्करां नाल पिंड पिंड गया, जनता नूं मिलिया। पर मैं कह सकदा भावें असीं हार गए, पर जिहड़ी साढ़े पार्टी दे वर्करां दा हौसला बुलंद सी, बुलंद है, हले भी है, ते सानूं मां मैनूं माण है अपने वर्करां दा। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਡਿਫੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਅ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸੀ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ
तूफान जिहदा सारा ही सारियां पार्टियां का फर्क पिया, पर फिर भी मैं इन्ना कहना साड़ी वर्कर बड़े कायम है, तो जिहड़ी पार्टी के वर्कर कायम होए जे तारां दा हुंदियां रहिंदियां आई वर्कर तुसीं देखोगे अगे फतेह भी करनगे। सुरबीर जी, वड्डे बादल साहब कदे कदे नहीं हारेगे 54 साल की उम्र के, मतलब 54 साल के पहली बार जिंदगी। मैं दसा जो बादल साहब की पॉलिटिक्स है वो जित हारना निर्भर नहीं सी, ना कोई मुख्यमंत्री बनना निर्भर सी। जिहड़ा लीडर 16 साल जेल जा सकता है, जे चाहते बादल साहब तो 16 साल जेल की बजाय वह मुख्यमंत्री रह सकते सी, एजी ऑप्शन सी। वो सैल्फलैस लीडर है, उन्होंने जो सेवा की पंजाब प्रति, मैं लगता है अज की जनरेशन नहीं पिछलिया जनरेशन च भी एजा लीडर नहीं जिन्होंने एजी सेवा की हुई। सर बिफोर इलेक्शन कुछ इस तरह के जितने हॉट सीट्स ने बड़े रिस्पोंसिबल है जो पहला भी काम किया और पार्टी लीड भी किया, कुछ इस तरह के इनपुट तो पहला नहीं लगे कि हॉट सीट्स के उपर भी कितने कितने रिजल्ट नैगेटिव आ सकता। सी जो जग चल रही सी किसी नूं कोई किसी नूं ऐसे रिजल्ट की तो किसी नूं उम्मीद नहीं सी, क्योंकि असी अपने वर्करां दा हौसला देखते सी, अपने वर्करां दी मेहनत देखी है, किसी च कोई कमी नहीं सी। थोनू उदों शक आउंदा जे मेहनत अपने वर्करां नूं पता लग जाए मेहनत नहीं कर रहे, पर जे जान मार के मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ की कमी नहीं छड्डी तो वह तो बैड लक है, वह तो हुंदा है जिंदगी च। जिहड़े तुसीं देखो फौज का काम है लड़ना, तो खालसा पंथ ने तो सदा लड़ाइया लड़िया, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, हारते भी रहे जितते भी रहे। यदा मतलब नहीं है कि हार गए तो असं घरें बह गए, हार का मतलब है कि हूँ अगली बार जिता। बादल साहब एक जिदा दोनों पार्टियों के कुछ गुस्सा से वो जल्दबाजी लोगों ने कोई फैसला बदला नहीं, कोई फैसला लिया कितना कितने लोग लगता नहीं उन्होंने फैसले लेकर पछताऊंगे या मैं किसी पछताऊ की गल नहीं करना चाहता। देखो जनता का फैसला है, रब का फैसला है, जो फैसला है मौका दिता आम आदमी पार्टी को। मैनू पूरी आस है कि जिस उम्मीद न आम आदमी पार्टी को मौका दिता गया आम आदमी पार्टी की सरकार वो काम जरूर करेगी।